राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज है गंगा दशहरा और आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं आज स्पेशल डिश बनाने वाली हूँ, क्योंकि जो मेरी नानी हमेशा बनाया करती थी, हर दशहरा को बनाया करती थी। तो और जब भी दशहरा आता है, मैंने शादी के बाद से, मतलब शादी से पहले तो नहीं, शादी के बाद से जब भी दशहरा आता है तो मैं ये वाली डिश ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मेरा जो बचपन है वो हमेशा वो नानी के पास ही बीता है। तो मुझे हर बारी हर दशहरा को उनकी याद ज़रूर आ जाती है। तो मैं आज बना रही हूँ दाल वाला जो चने का पराठा बनता है, वो बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने चने की दाल को रात को ही सोख करके रख दिया था, और उसके बाद सुबह में जब ये फूल गई, उसके बाद मैंने इसको निकाल के अच्छे से वॉश करके और उसमें कुकर में डाल के नमक और थोड़ा सा 1 गिलास पानी डाल के उसको बॉईल करने के लिए रखूंगी। और आपको सिर्फ 1 विसल लगाना है और उसी में ये पक जाएगी, क्योंकि है ना, अगर ज़्यादा लगा देंगे तो मैस हो जाएगा, जिस वो नहीं करना है। उसके बाद फिर घर पे एक लोग आ गए थे, उनके लिए मैं यहाँ पे शरबत बना रही हूँ। जब तक दाल बॉईल हो रही है, तब तक मैं यहाँ पे हरी मिर्च और हरा धनिया कट कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल जी के लिए भी भोग बनाना है इसमें ही। तो मैं आज एक जैसा ही बना रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने कई ब्लॉग में बताया है कि जब भी मैं कोई फेस्टिवल होता है तो फिर मैं प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ, या फिर कोई मेरा व्रत हो तब भी मैं नहीं डालती हूँ, मैं उसका यूज़ नहीं करती हूँ। तो आज मैं बिना प्याज का खाना बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च काट ली है। और आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि आपका हरा धनिया किस तरीके से फ्रेश रख सकते हैं आप लोग, तो उसके लिए आप लोग मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। ये 5 दिन का धनिया था और अभी तक बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, अभी भी फ्रेश है एकदम। तो अभी मैं इसके लिए आटा लगा लूँगी, तो इसमें मैंने नमक डाला है और इसके बाद और कुछ नहीं डालेंगे, और उसके बाद इसका डो रेडी कर लेंगे। जैसे कि आप उसका आलू का पराठा बनाते हैं उसके लिए रखते हैं ना, थोड़ा सा गीला वैसा ही रखना है। तो दाल बॉईल हो चुकी है और मैं इसको निकाल लूँगी किस छन्नी में, जिसकी वजह से ना इसका पानी जो रहता है वो थोड़ा बहुत भी वो निकल जाए और दाल पूरी तरीके से ड्राई हो जाए। और हम इसको थोड़ी देर के लिए इस तरीके से रख देंगे, जिसके वजह से इसका पूरा पानी अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद मैंने पैन में ऑयल लिया है, मैं सरसों के ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद हरी मिर्च डाल देंगे, और उसके बाद जो भी हमने दाल ली थी, और उसके बाद इसका पानी पूरी तरीके से निकल गया है, उसके बाद हम दाल डाल देंगे। और उसके बाद इसको अच्छे से चलाते हुए, और उसके बाद आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने लाल मिर्च नहीं डाली है। और आपको ऐसे ही चलाते रहना, जब भी आप इस तरीके से चला रहे होंगे तो भी वो थोड़ी थोड़ी मैस होने ही लगती है। उसके बाद मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, और अगर आप जैसे अनियन वाली बनाना चाहते हैं तो वो जब हरी मिर्च डाली थी उसी टाइम आप अनियन भी डाल सकते हो। उसके बाद इसमें मैगी मसाला डाल दीजिए, अगर आपके पास मैगी मसाला नहीं डालना चाहते हैं, मैंने नहीं डाला था, मैंने सब्जी मसाला और गरम मसाला 2 मसाला डाले थे। और उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा सा हींग डाल देना, उसके बाद हरा धनिया डालना है, और उसके बाद इसको मिक्स कर देना है, और ये इस तरीके से मैश हो जाएगा। अगर आप फिर भी मैश ना हो रही हो तो आप मैशर का यूज़ कर सकते हैं, और वो भी ना हो आपके पास तो आप गिलास लेके इसको अच्छे से मैश कर दें, और ये आराम से मैश हो जाएगी। और अभी देख सकते हैं दाल बिल्कुल रेडी हो गई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, आपको इसको ग्राइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है, क्योंकि अगर जैसे कि मेरी आदत है, मैंने ये मम्मी से सीखा है कि जब भी खाना बनाते हैं ना, जो बड़े बड़े बर्तन रहते हैं मैं उसको हल्के हल्के खाली करती जाती हूँ, जिससे कि ना किचन थोड़ा क्लीन लगे। उसके बाद अभी बनाएंगे पहला पराठा, में मतलब गाय का जाता है, दूसरा लड्डू गोपाल जी के लिए जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का भोग बना रही हूँ, तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनाएंगे, और उनको भोग लगाने के बाद फिर मैं बाकी लोगों के लिए बनाऊँगी।
लड्डू गोपाल जी की थाली रेडी हो गई और इसमें हमने आम रखा है और इसके साथ आम बहुत अच्छा लगता है। और तो सबसे पहले अभी लड्डू गोपाल जी के लिए थाली जाएगी, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए खाना मैंने बंद कर दिया है बनाना, और अभी मैं सबसे पहले निष्ठू को नहला दूंगी। और उसके बाद क्योंकि मैं हमेशा निष्ठू को नहलाने के बाद ही खाना खिलाती हूँ, क्योंकि बच्चे की आदत शुरू से ही अच्छी डालनी चाहिए, क्योंकि बिना नहाए फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं खाना हमेशा, मेरी मम्मी ने भी मुझे कभी खाना नहीं दिया बिना नहाए, तो मैं भी निष्ठू को हमेशा यही सिखाती हूँ कि पहले नहा लूँ फिर खाना खाना। तो अभी मैं यहाँ इसको रेडी कर दूँगी और उसके बाद इसके लिए बना के फिर मैं इसको खिला के उसके बाद बाकी सारे लोगों के लिए खाना बनाऊँगी, क्योंकि इसका पेट भर जाएगा। उसके बाद बाकी लोगों के लिए काम करते रहो ना, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब टेंशन नहीं होती है कि बच्चे ने तो खा ही लिया, अभी अब सारे लोग बाकी लोग बाद में खाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे पराठे दोपहर के लिए रख दिए हैं, जिसको भी भूख लगे वो बाद में भी खा सकते हैं, और बाकी सारे लोग कर खा चुके हैं, सिर्फ मैंने दो अपने लिए निकाल लिए हैं। और अभी मैं सबसे पहले ना यहाँ पे जो भी थोड़ी सी दाल बच गई थी मैंने वो निकाल के अलग रख दी है, छोटे बर्तन में कर दूंगी। उसके साथ ही दही को भी निकाल लिया है, जो बर्तन खाली कर लिए हैं, और मैं इन सबको बर्तन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैं किचन साफ़ करने के बाद ही खाना खाऊंगी, क्योंकि फिर पहले खाना खा लो बाद में किचन साफ़ करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, और मन क्या करता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। और किचन साफ़ हो जाती है उसके बाद अच्छे से मतलब खाने में भी मन लगता है। तो अभी मैं सबसे पहले किचन साफ़ करूँगी। सारे बर्तन धुल लिए, उसके बाद ये सूख गए हैं, उसके बाद फिर मैं सारे बर्तन स्टैंड में लगा दूंगी, जिससे कि किचन है, किचन का जो काउंटर बिल्कुल क्लीन रहे और थोड़ा खाली रहे, ज़्यादा फिर भरा भरा अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से मैं सारे बर्तन अभी सारे स्टैंड में वापस से रख दूंगी जो भी मैंने यूज़ करे थे। अभी मैं यहाँ पे दूध गर्म करूँगी, क्योंकि सुबह दूध आया है तो मैंने गर्म नहीं कर पाया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो भी एक दो बर्तन बचते हैं फिर मैंने उसको क्लीन करने के बाद फिर मैं सिंक वगैरह साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने दूध रख दिया है बॉईल होने के लिए, जब तक ये बॉईल होगा तब तक मैं बाकी सारे काम कर लूँगी। और दो तरह का दूध आता है, एक ये भैंस का है दूसरा गाय का है, तो अलग अलग आता है, तो निष्ठू अलग पीती है। तो मैं यहाँ पे अभी सिंक को क्लीन कर दूंगी, और जब पूरा किचन क्लीन हो जाता है, सिंक में कोई बर्तन नहीं रहता है, तो खुद को भी बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। उसके बाद फिर मैं आराम से जाके खाना खाऊंगी, क्योंकि फिर मेरा क्लीन अब किचन सॉरी देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, एकदम साफ, और अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आराम से खाना खाऊंगी। और जब ही मेरा किचन क्लीन होता है तो मैं खाने को एंजॉय करके खाती हूँ, बाकी टाइम में मतलब ऐसे पेट भरने के लिए तो खा ही लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे दूध गर्म होगा, उसके बाद अभी निष्ठू को मैं दूध देने जा रही हूँ। तो अगर ये आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो फिर हम मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।